पुटकी में ग्रामीणों ने बीसीसीएल के पीवी एरिया अंतर्गत पुटकी गोपालीचक में संचालित जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ युवा एकता मंच के ग्रामीणों ने दिया महाधरना। जीटीएस कंपनी का किया चक्का जाम। महाधरना में बतौर मुख्य रूप से शंभू कुमार पासवान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नियोजन और विस्थापन सहित 8 सूत्री मांग को लेकर कंपनी का चक्का जाम अनिश्चितकालीन किया जाएगा। अगर कंपनी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो उसे चलने नहीं दी जाएगी, चाहे उसके लिए हम लोगों को जेल ही क्यों न जाना पड़े। कंपनी हम लोगों से वादा खिलाफी कर रही है। 3 से 4 घंटे कार्य बाधित कर कार्य को पूरी तरह ठप करने के बाद वही कंपनी के प्रबंधन ने दूरभाष के माध्यम से ग्रामीणों को आश्वासन दिया 31 अगस्त को वार्ता की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया। मुख्य रूप से उपस्थित रामबाबू पासवान, नितिश रवानी, अंकुश बावरी, बिक्की शर्मा, शंभू पासवान, सनी पासवान, नागौर, सुजीत चौहान, पवन बावरी, नन्हे अंसारी, कुंदन पासवान आदि उपस्थित थे। ये बीसीसीएल हम लोग सब आकर यहाँ पे और मैनेजमेंट दोनों यही बोला कि यहाँ का जितना भी जो कंपनी आएगी यहाँ के लोकल लोगों को नियोजन दिया जाएगा, विस्थापन के बगल में घर दिया जाएगा। विस्थापन के लिए तो मुद्दा यहाँ पूरा जंगल काट दिया है, और उसके जब नियोजन की जब बात आया तो 5 दिन आज 30 तारीख को वार्ता करने के लिए बोला था कि 30 तारीख को हम वार्ता करेंगे नियोजन के लिए, लेकिन तीनों शिफ्ट में काम चलने लगा कंपनी का, ना तो कंपनी का अभी तक यहाँ चपरासी हमारे लोगों ने लगा है, ड्राइवर के दूर के बात में है। और जब अभी हम लोग जब गाड़ी रुकवाए हैं तो ये पूरा आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट अब पुटकी प्रशासन हम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। अब बोल रही है कि आप हट जाइए यहाँ से वरना केस में हम लोग फंसा देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या नीति आप लोग? हम लोग घर जा रहा, हम लोग प्रदूषण है, हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन कंपनी जब तक हम लोग नियोजन का हम लोग डटे रहेंगे, भीड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। एकदम अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। क्या नाम हुआ? शंभू कुमार पासवान। मांग हम लोग का यही है, हम ग्रामीणों का मांग है, यहाँ भी हम लोग ग्रामीण जो भी प्रभावित हैं, कंपनी हम लोग से बात की थी कि आप लोग से वार्ता करेंगे, आपको जेरेडा तरफ से घर देंगे, रोजगार देंगे। यहाँ पर जो 75% झारखंड सरकार द्वारा जो नियम लाया गया है कि जो भी विस्थापित है जो यहाँ लोकल है उसको 75% का रोजगार दिया जाएगा, अभी तक कंपनी हम लोग से सिर्फ बात कर रही है, बरगला रही है। अभी तक ना हम लोग से लिखित कोई आश्वासन दिया है, ना कोई भी अभी तक बात करने के लिए कोई कंपनी तरफ से आया है। सिर्फ हम लोग को आश्वासन फोन पे देती है कि आपसे वार्ता होगा, 30 तारीख का डेट दिया गया था, वो भी आज भी असफल हो गया वार्ता का। और कंपनी पुलिस प्रशासन को लेकर हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन हम लोग डरने वालों में नहीं है। हम लोग का घर जा रहा है, हम लोग का रोजगार जा रहा है, हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। मुख्य मांगे क्या आप लोग? क्या मुख्य मांग है? हम लोग का 8 सूत्री मांग है, जिनमें हम लोग को जेरेडा तरफ से घर दिया जाए, हम लोग को 75% रोजगार दिया जाए, पानी शौचालय की व्यवस्था किया जाए, और हम लोग को जो प्रदूषित हो रहा है पानी का छिड़काव किया जाए। आप लोग लिखित मांग दिए थे क्या? लिखित हम लोग दिए हैं, लेकिन हम लोग को बोलो ना कि भूमि पूजन करवा के भी भूमि पूजन भी करवा आश्वासन दिया कि आप लोग का सब काम हम लोग वार्ता करके 30 तारीख को देंगे, लेकिन आज 30 तारीख का डेट भी असफल हो गया है। कंपनी हम लोग को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, मैंने कंपनी आपकी तरफ से छल कर रहा है। हाँ, हम लोग तो पूरा तरह ठगा गया है हम लोग को, ग्रामीणों को। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अनिश्चितकाल चक्का जाम करेंगे, इसके लिए हम लोग को जेल भेज दे, फांसी दे दे, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग कोई ग्रामीण डरने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू पासवान है। आज हम कड़ी चुनौती देते हैं कंपनी को, अगर बात नहीं मानी, अभी तो हम लोग एक छोटा सा आंदोलन आगाज है, इसके अगर नहीं मानी तो हम लोग पूरा चक्का जाम करने काम करने, कंपनी का एक ईटा एक ढेला उठाने का नहीं देंगे हम लोग कंपनी को यहाँ से।